इस कहानी में हम एक औरत को देखेंगे जिसका हस्बैंड एक वॉर में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी हवस की प्यास नहीं बुझा पाता। इसके बाद वो अपने नौकर को प्यास बुझाने का मौका देती है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम कुछ लोगों को देखते हैं जो घोड़ों पर रेस कर रहे थे। हमेशा की तरह एक क्लिफर्ड नाम का आदमी उस रेस को जीत जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को ये बात बताता है, वो रेस जीत गया है इसलिए उनके घर में आज पार्टी होगी। इसके बाद हम देखते हैं पार्टी में क्लिफर्ड अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा था, तभी उन लोगों के पास खबर आती है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वॉर शुरू हो गई है, इसलिए अगली सुबह क्लिफर्ड को वॉर में जाना पड़ता है। यहाँ पर आकर वो दुश्मनों के साथ लड़ाई करता है, लेकिन वो इस लड़ाई में घायल हो जाता है जिससे वो अपाहिज हो जाता है और हमेशा व्हीलचेयर पर रहता है। उसकी वाइफ कोनी उसकी बहुत देखभाल करती है, लेकिन बदले में वो अपनी वाइफ की संभोग की इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। एक दिन गार्डन में क्लिफर्ड कोनी से कहता है, तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम किसी के भी साथ अपनी प्यास बुझा सकती हो और तुम दोनों का जो भी बच्चा होगा मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। कोनी उससे कहती है, तुम बहुत ही अच्छे हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद उनका नौकर ओलिवर आता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। वो क्लिफर्ड को घर तक छोड़ता है, तब वो कोनी को देखता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब भी वो कोनी को पीछे मुड़कर देखता है। एक दिन अचानक से क्लिफर्ड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लोग क्लिफर्ड के डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें नहीं मिलता। फिर उसकी नर्स को बुलाया जाता है जिसका नाम मिस वॉल्टन था। वो आकर क्लिफर्ड का इलाज करती है। ठीक होने के बाद क्लिफर्ड कोनी से कहता है, तुम ओलिवर के पास जाओ और वहाँ जाकर देखो काम कैसा चल रहा है। कोनी को वहाँ जाना पसंद नहीं था, लेकिन क्लिफर्ड के बोलने पर वो चली जाती है। यहाँ पहुँचकर वो ओलिवर को देखती है जो अपने कपड़ों को उतार कर अपनी बॉडी को साफ कर रहा था। जब वो ओलिवर को इस हालत में देखती है तब उसकी गुफा से पानी आने लगता है और वो छुपकर ओलिवर को देखने लगती है और अपनी गुफा में उंगली डालने लगती है। इसके बाद वो ओलिवर से बिना बात किए हुए घर वापस लौट जाती है। घर आने के बाद क्लिफर्ड उससे काम के बारे में पूछता है, तब वो क्लिफर्ड से कहती है ओलिवर उसे मिला ही नहीं। दूसरी तरफ मिस वॉल्टन क्लिफर्ड के ट्रीटमेंट के लिए रात में यहीं पर रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कोनी अपने कमरे में जाती है और उसे ओलिवर का ख्याल आने लगता है। वो बार बार उसके बारे में सोच रही थी और अपने जिस्म को सहला रही थी। अगले दिन फिर से क्लिफर्ड उसे ओलिवर के पास भेजता है। जब वो यहाँ पहुँचती है तब ओलिवर उससे अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी थी कोनी उससे क्या चाहती है और वो कोनी के साथ अफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसके घर का मामूली नौकर था। इसके बाद वो अपने घर लौट जाती है। जब अगली बार कोनी ओलिवर से मिलती है तब ओलिवर उसे अपने कॉटेज की चाबी दे देता है और अब वो जब चाहे तब उसके कॉटेज में आ सकती है। ओलिवर इनके एनिमल्स का ख्याल रखता था। कोनी अब रोजाना यहाँ पर आने लगती है और वो छुपके ओलिवर को देखती है। इसके बाद वो ओलिवर के पास जाती है, तब ओलिवर उसे एक नन्ना सा चूजा दिखाता है जिसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि कोनी का अब तक कोई भी बच्चा नहीं था। क्लिफर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो यहाँ पर रोती है। ये देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और ये दोनों यहीं पर घपाघप करने लगते हैं। घपाघप करने के बाद कोनी को बहुत बुरा लगता है, वो अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगती है और फिर वो भागते हुए अपने घर चली जाती है। उसे भागते हुए मिस वॉल्टन देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं ओलिवर के साथ इंटीमेट होने के बाद कोनी उसे काफ़ी दिनों तक नहीं मिलती। वो ओलिवर से प्यार तो करती थी लेकिन उसे लगता था ये सब गलत है और वो क्लिफर्ड को धोखा नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ ओलिवर को कोनी की बहुत याद आती है और वो उसे मिलने के लिए घर चला जाता है। वो कोनी को एक बार देखना चाहता था लेकिन कोनी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। मिस वॉल्टन यहाँ पर ओलिवर को देख लेती है। कुछ टाइम के बाद ओलिवर यहाँ से चला जाता है। एक दिन जब कोनी घर के बाहर बैठी हुई थी तब ओलिवर उसके पास आकर पूछता है, क्या हम दोनों ने कुछ गलत किया है? जिस पर कोनी कहती है नहीं। इसके बाद ये दोनों जंगल में जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों जंगल में मंगल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर ओलिवर क्लिफर्ड के घर के अंदर आता है और फिर वहाँ पर आकर क्लिफर्ड से बातें करता है। यहाँ पर वो बताता है उसने दो शिकारियों को पकड़ा है जो उनके पंछियों का शिकार कर रहे थे। तभी कोनी यहाँ पर आती है और वो ओलिवर से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब क्लिफर्ड ओलिवर और कोनी को देखता है तब उसे इन दोनों पर शक होता है। इसके बाद हम देखते हैं ओलिवर उन दोनों शिकारियों को क्लिफर्ड के पास लेकर आता है। यहाँ पर क्लिफर्ड और कोनी दोनों उन शिकारियों को देखते हैं। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है इन दोनों शिकारियों पर मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन कोनी उसे ऐसा करने से मना करती है। क्लिफर्ड कहता है मैं एक शर्त पर इन दोनों को छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर अपने हाथ से इन दोनों को पीटेगा तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, अगर ओलिवर ऐसा नहीं करता है तब उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओलिवर उन दोनों को पीटना नहीं चाहता था लेकिन अपनी नौकरी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। एक दिन कोनी ओलिवर के पास जाती है और उससे कहती है मुझे एक बच्चा
करना चाहिए। तब ओलिवर कहता है, इसके बाद क्लिफर्ड का क्या होगा, क्या वो इस बच्चे को अपनाएगा। तब कोनी कहती है, मैंने क्लिफर्ड से इसके बारे में बात कर ली है। तब ओलिवर कहता है, क्या वो हम दोनों के बारे में जानता है। कोनी कहती है, मैंने हमारे बारे में उसे नहीं बताया, लेकिन मैं ये जानती हूँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तब ओलिवर उसे कहता है, तुम्हें एक रात के लिए मेरे कॉटेज में आना होगा। कोनी उसकी बात मान जाती है। जब वो अपने घर जाती है तब मिस बॉल्टन को कोनी के सर पर एक घास का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है ओलिवर और कोनी का अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ओलिवर और कोनी रोजाना मिलने लगते हैं और ठुकाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोनी ओलिवर से कहती है, मैं एक रात के लिए तुम्हारे कॉटेज में जरूर आऊंगी और मैं उस रात तुम्हारी वाइफ की तरह रहूंगी, लेकिन मैं क्लिफर्ड को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। ओलिवर उसे कहता है, अगर तुम हमारे बारे में उसे बताती हो तब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और क्लिफर्ड ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा अफेयर एक नौकर के साथ हो और एक नौकर का बच्चा उसका वारिस बने। शाम को जब कोनी वापस आ रही होती है तब क्लिफर्ड बाहर से आते हुए कोनी को देख लेता है। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास आती है और उसे कहती है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। वो उससे कहता है, मैं सनसेट देखने के लिए आया हूँ। उसे कोनी के बारे में पता चल चुका था और वो ये जानता था कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो अब इन दोनों की इंसल्ट करना चाहता था, इसलिए वो अगली सुबह ओलिवर के पास जाता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर आकर देखते हैं ओलिवर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ओलिवर कोनी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। इसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हें किसी भी तरह आज पूरी रात मेरे साथ बितानी होगी। दूसरी तरफ हम क्लिफर्ड को देखते हैं जो जानबूझकर अपनी गाड़ी कीचड़ में फंसा देता है। फिर उसे निकालने के लिए वो कोनी को बुलाता है और जानबूझकर अपनी गाड़ी के टायर से उस पर कीचड़ उछालता है। जब गाड़ी नहीं निकलती तो वो आवाज लगाकर ओलिवर को बुलाता है और वो ओलिवर के साथ भी ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं जब क्लिफर्ड सो जाता है तब कोनी अपने रूम से निकलकर ओलिवर के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो दोनों घपाघप करते हैं। दूसरी तरफ अचानक से क्लिफर्ड की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कोनी घर पर नहीं है। इसके बाद वो किसी तरह कोनी के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कोनी अपने कमरे में नहीं है। जब सुबह होती है तब क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है, जहां पर कोनी क्लिफर्ड से कहती है, तुमने ही मुझसे कहा था तुम एक आदमी पसंद कर लो और उसके साथ एक बच्चा पैदा करो, फिर मैं उस बच्चे को अपना वारिस बनाऊंगा। क्लिफर्ड कहता है, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि तुम उसके लिए एक नौकर के साथ अफेयर करो। इसके बाद क्लिफर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोनी को पेरिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकाल देता है। इसके बाद जब कोनी अपने सिस्टर के पास पेरिस में होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो फिर से क्लिफर्ड के पास आ जाती है। यहाँ पर आकर उसे पता चलता है क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। इसके बाद वो ओलिवर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो ओलिवर को ढूंढ लेती है और उसे अपनी सारी बात बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब वो ओलिवर के साथ रहना चाहती है और क्लिफर्ड को छोड़ देगी। लेकिन ओलिवर उससे कहता है, तुम्हें अपना बच्चा मिल चुका है और तुम्हारे पति को उसका वारिस मिल गया है, इसलिए तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लिफर्ड बहुत अमीर है और तुम उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। इसके बाद कोनी उससे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में काम करके जिंदगी गुजार लूंगी और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद ओलिवर उसकी बात मान जाता है। फिर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।